नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा। आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने देश में अडानी घोटाले का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजभवन का घेराव किया गया और प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व अम्बेडकर चौक में सभा का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने देश में अडानी घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की और राजभवन में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व कांग्रेसियों ने अम्बेडकर चौक में एक सभा भी की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी समूह और प्रधानमंत्री के दोस्ताना रवैये को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब बात दिखाते रहे, शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, सरकार के साथ भी। बात यह है कि किसी पैसा ले लिया, हमको क्या करना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात जब आपके LIC के हो, आपके बैंकों का हो, जिसमें आपके पैसा लगा हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी का पैसा लगा हो, जिसमें आम जनता अपने पैसा लगाया हो, उसमें जब हजारों करोड़ रुपया उसमें दे रहे हैं और जब धाम धाम गिर रहा है मार्केट। कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में शामिल होने मंगलवार को रायपुर पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अडानी से संबंधित सवालों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर कई सवाल उठाए। सवाल पूछे गए, संसद में उनका कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उसके विपरीत हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और राज्यसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री खारगे जी, उन्होंने जो भी बातें उठाई उन्हें रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया, एक्सपंज किया गया। ऐसी कौन सी बात थी जो सरकार को ऐसी लगती थी कि अगर उनसे सवाल पूछे जाएं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा तो बहुत सी बातें बेनकाब होंगी। होली के बाद फिर शुरू हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा एक बार फिर गूंजा। विपक्ष ने जहां हितग्राहियों के आंकड़े की मांग की तो वहीं सत्ता पक्ष ने लिखित में जवाब पेश किया, जिसे विपक्ष के विधायक धरमलाल कौशिक ने झूठा करार दिया और कहा कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सरकार द्वारा गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। होली के बाद पुनः प्रारंभ हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास का मामला गूंजा। विपक्ष ने योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के आंकड़ों की मांग की, जिस पर विभागीय मंत्री द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे विधायक धरमलाल कौशिक ने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीबों को धोखा दिया है। लोगों के मकान बनते और केंद्र सरकार से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी मिलता कि जिससे यहाँ के मकान के साथ में लोगों को रोजी रोजगार की भी व्यवस्था होती। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि हम सर्वे कराएंगे। सर्वे किस बात का कराएंगे कि जो लक्ष्य आपको दिया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात होती है, 16 लाख मकान में 1 लाख मकान भी ये सरकार नहीं बना पाई। और ये प्रश्न में जो जवाब आया उससे बात सिद्ध हो रही है कि सरकार हितग्राहियों को, गरीबों को मकान देना नहीं चाहती, केवल उनके बीच में भ्रम पालने और भ्रमित करने का काम ये सरकार करती है। आज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार के जवाब में ही स्पष्ट है और इसलिए सरकार ने धोखा देने का काम किया है गरीबों को छत्तीसगढ़ के। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। इसे लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भी प्रस्तावित है। भाजपा द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में जनगणना कराए जाने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि अब बड़ी मात्रा में नए हितग्राही आ गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार हमलावर है।
उनका आरोप है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जनगणना तो कराई जाए तब पता चलेगा, क्योंकि अब तो नए हितग्राही बड़ी मात्रा में हो चुके हैं। मैंने वो जो ट्वीट किया था रमन सिंह जी, तो उसको भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसमें मैंने दिखाया था कि 19-20 में कितने मकान बने, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आज ये जो आवास है, अब नए हितग्राही तैयार हो गया है। नए हितग्राही तब पता चलेगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे, और यही बात मैं प्रधानमंत्री से मैंने पहले पत्र लिखा था और परसों उनसे मुलाकात करके भी मैं आया कि भाई उसे जनगणना करा दें ताकि हमारे जो नए जो लोग हैं हितग्राही है उसको हम चिन्हित कर सकें, उनको लाभान्वित कर सकें। न केवल आवास बल्कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम उससे लाभ से वंचित हैं, तो जनगणना बहुत जरूरी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन है। छत्तीसगढ़ में एक नया संघ अस्तित्व में आ गया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ हाइवा ड्राइवर संघ। इस संघ के सदस्यों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक ड्राइवरों को सिर्फ छला गया है। उन्होंने मालिकों और सरकार के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए एक बैठक आयोजित की। आरंग क्षेत्र में हुई इस बैठक में संघ के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित होकर एक मांग पत्र तैयार किया जिसे जल्द सरकार को सौंपा जाएगा। आजादी के बाद से आज तक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे ड्राइवरों ने अब एक होकर अपनी आवाज बुलंद की है। आरंग क्षेत्र में इसकी शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ हाइवा ड्राइवर संघ का गठन किया गया है। संघ द्वारा मंगलवार को एक बैठक लेकर मांग पत्र तैयार किया गया जिसमें कई बिंदु शामिल किए गए, मुख्य रूप से अपने वेतनमान में बढ़ोतरी और बच्चों की शिक्षा दीक्षा से लेकर मालिकों के रूखे व्यवहार की भी निंदा की गई। संघ के अध्यक्ष प्रीतम सेन ने बताया कि ट्रक और उसमें लदे सामान की जिम्मेदारी लेकर चलने वाले हम ड्राइवरों के प्रति सरकार ने कभी चिंता नहीं की, लेकिन अब सरकार को भी हमारे बारे में सोचना होगा। आज़ादी के 1947 के बाद से और आज 2023 है, और इस दरमियान ड्राइवर की जो स्थिति है, ड्राइवर की जो परिवार की जो सामाजिक है, आर्थिक है, किसी भी एंगल से आज तक हमारे जो सरकार ने हम लोगों के बारे में सोचा नहीं है, और इसी एंगल से आज हम हताश होकर निराश होकर अपना एक संगठन तैयार किए हैं, और संगठन के माध्यम से अब हम आगे आवाज़ उठाने वाले हैं और सरकार को हमारी मांगों के बारे में जानकारी देने वाली संघ के माध्यम से कि हमारे भी एक पेमेंट सही साठ निर्धारित किया जाए, ऐसा पेमेंट होना चाहिए कि हमारा भी स्थिति जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आज हमारे जो बाल बच्चों का भी कुछ ना उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया है, ना ही उनके पढ़ाई के बारे में, ना ही उनके जो नौकरी के बारे में, तो हमको ड्राइवर के जो फैमिली है उसको आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात यह है कि ड्राइवर की अगर दुर्घटना के अंतर्गत जैसे दुर्घटना के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अनदेखा किया जाता है, और यही सोचते हैं कि ड्राइवर भाई जो है या ड्राइवर को यही देखा जाता है कि दारू पी के गाड़ी चला रहा होगा, ऐसा चला रहा होगा, गलती की होगी, उसकी मृत्यु हो गई, तो ड्राइवर को एक सही का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ड्राइवर देश की आर्थिक प्रगति में उसकी परम प्रमुख बहुत अहम योगदान ड्राइवर की होता है। अगर ड्राइवर एक दिन का स्टेयरिंग छोड़ देंगे तो समझो हाहाकार मच जाएगा संपूर्ण भारत में। एक दिन अगर स्टेयरिंग छोड़ देंगे तो दूध मिलना, सब्जी मिलना सब बंद हो जाएगी, दवाई मिलना सब बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान सरकार द्वारा विधानसभा से पारित बिल पर ध्यान आकर्षित कराया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जानकारी देते हुए प्रदेश के हित में उन बिल पर विचार कर हस्ताक्षर करने का भी निवेदन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल से मुलाकात में सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 5 बिलों पर ध्यान आकर्षित किया और उन पर विचार कर हस्ताक्षर करने का निवेदन भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी बिल, पत्रकारिता विश्वविद्यालय से संबंधित बिल, राज्य में सट्टा और जुआ रोकने संबंधी बिल और आरक्षण के बिल अब तक लंबित हैं। राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई, हमारे 4-5 बिल जिसमें यूनिवर्सिटी का एक बिल है, थोड़ा संशोधन उसमें है कि उसमें एक अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया जिसमें राज्य मंत्रिमंडल के अनुशंसा से, दूसरा जो
पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो पत्रकारों की डिमांड पे ही वो बिल लाया गया था वो रुका हुआ है। और तीसरा जो जो सट्टा चल रहा है जुआ सट्टा सेहत कानून वो रुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण का बिल जिसके कारण से हमारे उच्च शिक्षा में एडमिशन के समय जो छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है वो हमको शुरू करना है। तो मैंने आग्रह ये किया कि विधानसभा से ये पारित हो चुका है और चूंकि आप नए पदभार ग्रहण किए हैं तो आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है और हमने आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के ही विधायक मोहन मरकाम ने प्रदेश में डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया जिसे आगे बढ़ाते हुए विपक्ष ने जांच की मांग कर दी। विपक्षी विधायकों ने कहा कि अब तक हम आरोप लगाया करते थे लेकिन अब तो सरकार के ही विधायक आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड के पैसों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जिसे विपक्ष ने आगे बढ़ाते हुए जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि अभी तक विपक्ष ही आरोप लगाते रहा है लेकिन अब तो सरकार के विधायक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आज जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा प्रश्न उठाए गए हम लोगों ने इसमें बात आगे बढ़ाए कि उन अधिकारियों के खिलाफ में जांच होनी चाहिए जो इनलीगल जो क्रय किए हैं और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरा डीएमएफ का पैसा जा रहा है बंदर बांट हो रहा है। अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे अब कांग्रेस जो सत्ता पार्टी के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं ये सरकार को इसकी गंभीरता को समझनी चाहिए लेकिन अधिकारियों को बचाने का प्रयास ये सरकार के द्वारा की जा रही है। राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाने में चोरी के दो मामले का पर्दाफाश किया गया जिसमें एक मामले में तीन चोर और एक सोनार को गिरफ्तार किया गया तो वहीं दूसरे मामले में तीन चोरों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार ये चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। राजधानी रायपुर के कबीर नगर इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को कबीर नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार मिल रही चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दो मामलों के अंतर्गत पहले मामले में तीन चोर और एक सोनार साथ ही दूसरे मामले में तीन चोर को गिरफ्तार किया गया। 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदर्शन स्थल और विधानसभा पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह घेराव सोई सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री योजना से वंचित हितग्राहियों को लेकर 15 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेगी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदर्शन स्थल और विधानसभा पहुंच मार्ग का निरीक्षण किया। इधर वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक ने कहा कि यह घेराव सोई हुई सरकार को जगाने के लिए है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हितग्राहियों के साथ में एक बड़ा विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। 11 बजे सभी आएंगे और आवास मांगेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। इस सरकार जो सोई हुई निद्रा में है उसको जगाने का प्रयास की जाएगी और उसके बाद में यदि सरकार नहीं जागेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो प्रधानमंत्री आवास है यदि ये सरकार नहीं दे पा रही है और नहीं देगी तो हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाने में दहेज प्रताड़ना के मामले में सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बलौदा में फरवरी माह में एक शादीशुदा युवती शारदा यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच में पता चला कि मृतका को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना के अंतर्गत फरवरी माह में 21 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच में मौत का कारण दहेज के लिए प्रताड़ित करना पाया गया जिसके चलते मृतका के पति सास और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
बलौदा थाना के निरीक्षक गोपाल सतपथी ने बताया कि मृतका शारदा यादव को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए तंग किया जाता था, जिससे वह प्रताड़ित महसूस करते हुए आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हुई। संपूर्ण मर्ग जांच पर पाया गया कि महिला को उसके सास ससुर और पति के द्वारा दहेज के नाम पर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मामला दहेज मृत्यु का होने से अपराध धारा 304B 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें पति सलित यादव, सास संतोषी बाई यादव एवं ससुर लक्ष्मण यादव को विधिवत गिरफ्तार करके धारा 304B 34 भादवी के तहत न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।